राम राम नमस्ते, गुड मॉर्निंग मेरे सारे भाइयों को। तो कैसे हैं आप सारे लोग? अपनी होने वाली है ट्रैवलिंग स्टार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग है क्योंकि आपका भाई जाने वाला है हरियाली में, और ये ट्रैवलिंग मेरी होने वाली है ट्रेन से, और ये बहुत ही लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी। मैं आज निकलूँगा तो मैं पहुँचूँगा वहाँ लमसम 2 दिन बाद, मतलब 50 घंटे बाद, और आपको दिखाने वाला हूँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी ना, आप कहोगे भाई मज़ा आ गया। चलो कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र यहाँ से। तो दोस्तों जो अपना सफ़र है वो चालू हो गया है। हाँ, मैंने जो ये ट्रेन ली है न्यू दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन से, और मुझे इसकी टिकट्स कितनी पड़ी है मैं सब बता दूँगा आपको। अब मेरी जो ट्रैवलिंग है, मेरा सफ़र बहुत ही लंबा है। मैं पहुँचूँगा यहाँ पे लमसम परसों सुबह 7:30 बजे 4 तारीख को, और हाँ ये जगह होने वाली है, ये लगा लो आप वादियों में जा रहे हो और इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, मतलब हर किसी का ड्रीम होता है कि वो यहाँ पे जाए। 100 में से 90% लोगों का ड्रीम है कि वो यहाँ पर जाए, और आपको दिखाने वाला हूँ बढ़िया बढ़िया चीज़। रात से कल दिन सुबह से हमारी ट्रेन चल रही है दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन से, और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे दिल्ली से, चल रही है दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन से केरला में। और ये है विन्हेरे एक स्टेशन है जो लोकलाइज्ड है, और यहाँ पे क्या है कि ट्रेन रुकी है क्योंकि कोई ट्रेन आगे से पास होनी होगी। अच्छा, यहाँ से ग्रीनरी बहुत देर पहले से चालू हो गई थी, और ये विन्हेरे लगता है महाराष्ट्र के अंदर कोंकण रीजन। ओके,
तो सुन लिया आपने, थोड़ा सा मैं प्रोनाउंस कर नहीं पाऊंगा। तो अभी हम लोग कोंकण रीजन, मेरा क्लोजअप कोंकण रीजन मतलब बंबई से चालू होता है कन्याकुमारी एंड तक कोंकण रीजन बोलते हैं। इसमें चार स्टेट आएंगे, महाराष्ट्र, गोवा, केरला और फिर लास्ट में तमिलनाडु। और अभी हम लोग महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र चल रहा है हमारा, और अभी हमें पहुँचने में चाहिए अभी एक दो दिन, क्योंकि अंकल तो निकल जाएंगे मड़गांव, क्योंकि अंकल गोवा से हैं और अपने को जाना है आगे केरला, जो कि यहाँ से पड़ेगा। अभी मुझे एक दिन और लगेगा ना, मॉर्निंग में 8-9 बजे तक पहुँचने की मेरी उम्मीद है। इस ट्रैक में आपको एशिया का हाईएस्ट ब्रिज, जिसका ऊंची सबसे ज़्यादा है एशिया में, और लॉन्गेस्ट टनल 6.5 किलोमीटर। हाँ जी जनता, तो हम खड़े हैं अक्षी के पास और बहुत ही अच्छा टनल है, इन टनल है छोटा सा, और कितना प्यारा व्यू है देखिए आप पीछे से, मतलब अमेजिंग व्यू है। हमारी ट्रेन यहाँ रुकी पड़ी है जाती है केरला की तरफ, और अपने भाई साथ में है, टिकटॉक पे फॉलो करना है इनको, टिकटॉक तो बैन हो गया, कोई बात नहीं, जिस पे भी फॉलो करना भाई को इंस्टाग्राम पे, और भाई को भी कर लेना, नाम मैं बता दूंगा भाइयों का। देखो व्यू कितना प्यारा है यार, ये अपने राणा के भाई दिखे, राणा वाले गाने चला रखे उन्होंने, सेक्सी व्यू आ रहा है यार। जब हम केरला की तरफ ट्रैवल करते हैं, और उसके बीच में वहाँ था कि केरला यहाँ से दूर है एक दिन और, सुबह पहुँचेंगे हम, उस टाइम पे ये टनल पे ये रुकी पड़ी है ट्रेन, और सीरियसली इतना प्यारा व्यू है ना कि मतलब मन तो कर रहा है कि यहाँ पे रुके रहें, कोई रूम मिल जाए बढ़िया सा कि मज़ा आए, समझ सकते हो ना आप। तो यहाँ पे आइए, और थोड़ा ट्रैवल लंबा है और दो दिन में हम पहुँचने वाले हैं, दो दिन में पहुँचेंगे हम, एक दिन तो हमारा कवर हो गया, एक दिन और रह गया। भाई साथ में है हमारे, भाई को बड़ा शौक है वीडियो बनाने का, और भाई यूट्यूब पे, वैसे तो मैं चैनल शेयर कर दूंगा आपको इनका, भाई का। तो दोस्तों कैसे हैं आप सारे, तो अब हो गई है शाम और ट्रेन का सफ़र हमारा हो गया तय, और मिले हमारे को हमारे दोस्त जो कि बहुत खतरनाक यूट्यूबर है, यूट्यूबर है बहुत खतरनाक, और भाई जो है अपने ये है बिहार से, दरभंगा इनका गांव है, नेपाल से आ चुके हैं बिना बताए, और लेके भी नहीं गए, और ये हैं अंकल हमारे जो कि है केरला से, और बहुत ही प्यारी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जो कि हमें अच्छा लगा। मैंने ट्राई तो करा कि थोड़ी अंकल अंकल से इंग्लिश में बात करूँ, लेकिन अंकल हिंदी बोल रहे थे तो मुझे हिंदी बोलनी पड़ी। और ये भाई हैं अपने, ये है राजस्थान से, और यहाँ अंकल बैठे थे, इनको बार बार बिहार से बोल रहे थे, जो कि इनके दिल पे लग रहा था, छोटा सा भाई बैठा ऊपर देख रहा है। हेलो, तो अंकल केरला में क्या है अच्छा, मतलब जो मज़ेदार हो, जो जनता देखना चाहती हो? जनता केरला का है ना सीन देखने का, पूरा पूरा मतलब साइट सीन वगैरह हो गया देखने का, अच्छा रहेगा, टूरिस्ट प्लेस बहुत है घूमने का, और जो प्रकृति का जो बनी है समझ गया ना, हिंदी में बोलते हैं सब समझ जाएंगे, बहुत सब आदमी पसंद करते थे, क्लाइमेट भी अच्छा लगता है, अब कुछ मालूम पड़ेगा, कुछ जाएगा तो मालूम पड़ेगा। तो गाइस आपको मेल अपने साथ में मास्क फॉलो करना है, मास्क फॉलो नहीं करोगे तो 500 में चलाएंगे, रूल्स के लिए है वॉक करते हुए, और अगर बाइक पे हो तो 1000 है, तो मास्क जरूर फॉलो करना, 10 रुपये का मास्क लेना ताकि आपको 500 बच जाए और 2 भी बच जाए। तो मैं भी करता हूँ उसका एंड, फिर दोबारा आऊंगा जब आपको। हेलो एवरीवन, तो हो गई अपनी एंट्री एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम जो है ये केरला का ही है, केरला मतलब कोची में लगता है एर्नाकुलम, तो अपनी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है भाई के साथ, और भाई यही जॉब करते हैं। तो अपना जो सफ़र है वो थी तो ट्रेन 50 घंटे की, लेकिन लेगी लमसम हमारी ट्रेन कुछ 52.5 घंटे के आसपास, दो दिन का सफ़र बहुत टायरिंग रहा। अब जाके होटल में स्टे करते हैं, ये ब्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग आएगा उसको देखना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो बाय, टेक केयर गाइस।